फयाजमन मीर, ये फ्रूट मंडी पारिमपुरा एसडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हमें सवेरे 4 बजे बंदा एक आ गया घर में, वो बोल रहा था आग लगी, हमें बाकी कुछ नहीं पता है, शॉर्ट सर्किट लगा है क्या वजह वो पता ही नहीं पूरा। ये तो आप देख रहे हैं पूरा दुकान जल के खाकसर हो गया, जितने भी सामान था उसमें वो तो जल के राख हो गया। कम से कम मेरी दुकान का 10-15 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा नाम तौहीद अहमद सूफी, कुछ बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट्स और कुछ बोल रहे हैं कुछ, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें तकरीबन 6 बजे पता चला कि दैट हैज़ बिन बर्निंग। सो उसी टाइम मैं आया तो मैंने यहाँ बहुत सारे नुकसान देखे, नियर अबाउट 15 लैक्स हैज़ बिन डैमेज। जनाब आज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया था, मैं घर पे था, मार्केट से फ़ोन आ गया जी यहाँ पे मतलब आग नमदार हो गई है, तो मैं तुरंत उसी वक्त यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आग उस वक्त मतलब छोले तो उठ रहे थे मगर थोड़ा सा करार हुआ था आग, तो ये कुल मिला के 2-3 घंटों में ये सारा कुछ जल गया है। ये यहाँ 3 दुकानों का नुकसान हो गया है, इसमें 2 में स्पेयर पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, एक तो कवाड़ी का दुकान है, कुल मिला के 3 दुकान का ये जो है नुकसान हुआ है। मुझे लग रहा है 10 से 15 लाख तक इसका नुकसान हो गया है, क्योंकि इसके अपने नॉर्म्स होते हैं। हमारी अभी मतलब जो पुलिस स्टेशन पारिमपुरा उन्हीं के साथ बात होगी, SHO साहब वहाँ पे हैं उनके साथ बात हो गई है। अब उन्होंने कहा कि आज शाम को मिलने के लिए भी उनके साथ बात करनी है, 5-7.30 बजे तक टाइम दिया है उनको। वो भी सुबह आए थे मॉर्निंग में, उन्होंने रिपोर्ट ले लिया यहाँ से, तो आगे जाके उन्होंने वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे से। हमारा प्रोग्राम है कल, हमारा DC साहब के साथ मुलाकात होने वाली है, हम उसको ये इसको इन डिटेल्स में उनके साथ बात करेंगे। रही बात, हम आपके माध्यम से ये जो गवर्नर इंतज़ामिया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील करना चाहते हैं, इनको इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, सो दैट ये कि अपने रोटी रोजी के लिए फिर तैयार हो जाएंगे।